अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक और सवाल आया कि सर शादी तो हो गई है और हम बिस्तरी के बग़ैर क्या वलीमा हो सकता है कि नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि आजकल लोग पैसे बनाने के चक्कर में शलीमें करने लग गए हैं। अब आप में से वो लोग जो शलीमा को नहीं जानते, मैं बता देता हूँ कि पैसे बचाने के लिए दूल्हे वाले और दुल्हन वाले मिलकर शादी और वलीमा दो अलग अलग फंक्शंस करने के बजाय एक ही फंक्शन करते हैं, जो शादी भी होती है और वलीमा भी होता है, यानी उसी में निकाह भी होता है, उसी में रुख्सती भी होती है और वही वलीमा भी होता है, और दोनों पार्टीज़ मिलाकर उसमें पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि एक ही दावत में सारा मामला हो जाए। अब चक्कर सारा ये है कि शोशा भी करनी है और दिखावा भी करना है, तो अब और पैसे भी नहीं हैं तो दुनिया क्या कहेगी। इस चक्कर में सुन्नत से महरूम हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हमने सुन्नत का तरीक़े से वलीमा कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। वलीमा जो है उसके लिए शबे ज़ुफ़ाफ़ होनी ज़रूरी है, अगर वो सुन्नत के मुताबिक हो, वरना तो आपने ऐसी खाना खिला दिया। वैसे और लड़की वालों पर कोई खाना बनता ही नहीं शादी का, ये सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक अमल है। तो ये हमारे यहाँ हिंदुओं से आ गया है, बड़ी बात है। लड़की पर इस्लाम ने कोई बोझ ही नहीं डाला। महर लड़के का काम है, शादी मस्जिद में करो, निकाह जो है मस्जिद में करो, रुख्सत करके ले जाओ लड़की को, और शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद अगर इस्तेताअत हो तो वलीमा दे दो, और अगर कम इस्तेताअत है तो उतना ही वलीमा दो जितना दे सकते हो। लेकिन हमें तो शोबाजियाँ करनी है, तो इस चक्कर में हम मारे जाते हैं। तो फतावा आलमगीरी भी उठा के देख लें, अगर आप मिरकात भी उठा के देख लें, तो यही मामला आपको नज़र आएगा कि वलीमा जो है वो शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद करना चाहिए। यही सुन्नत का तरीक़ा, यानी सुहागरात के बाद अगला जो दिन आता है ना रुख्सत होने के बाद, तो उसके अंदर जो मियाँ बीवी मिल के एक दावत देते हैं वो वलीमा होता है। अलबत्ता अगर किसी ने ऐसा नहीं किया और हम बिस्तरी के बग़ैर ही वलीमा दे दिया तो उसका खाना हराम नहीं होगा। तो बाज़ लोग कहते हैं कि भाई इससे भी वलीमा हो जाएगा, लेकिन मुफ्ती अकमल साहब ने भी इस पर एक क्लिप रिकॉर्ड कराई है। वो कहते हैं कि वलीमे की सुन्नत यूँ अदा नहीं होगी, कि सुन्नत का तरीक़ा यही है कि शब ज़ुफ़ाफ़ के अगली दिन जो है ये वलीमे का मामला होता है, और अगर आपने वाक़ई सुन्नत भी करनी है और घर वाले जो है ना वो शलीमे के ऊपर बहुत इसरार कर रहे हैं, तो मुफ्ती अकमल ने भी यही कहा है कि उनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझाएं, नहीं समझते तो ठीक है, चाहे शादी ब्याह में कोई ऊंच नीच ना हो, वो सारा मामला करके अगले दिन शबे ज़ुफ़ाफ़ के अगले दिन, सुहागरात के अगले दिन, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े पैमाने के ऊपर वलीमा किया जाए। आप अपने दो चार दोस्तों को घर में इकट्ठा भी कर लें, या दो चार घर लोगों को घर में इकट्ठा करके कोई खाना वगैरह पका के या पकवा के खिला दें सबको, और वलीमे की नियत कर लें, तो यूँ भी सुन्नत का वलीमा हो जाएगा। तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद क़ादरी।